एक बाबे ने जनाब जेड़ा ना वो आने वाये दी जेड़ा सारे हाजियां दा जहाज जेड़ा पहुंचा दिता है जदे हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे जी ये किताब है तस्करा गौसिया ये गौसली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला के मलफूजात फरमाते मैं हज करने के लिए गया और मैं बंबई बंदरगाह से बहरी जहाज पे बैठा कहते इसी तरह जहाज बंबई बंदरगाह से निकला थोड़ा सा जहाज आगे गया होगा तो एक बाबा जी आ गए और आके मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जदा कब आएगा तो कहते मेरे वाले साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज बंबई बंदरगाह तू चले आए 11 दिन लगने ने फिर जदा आएगा कहते हूँ बाबा जी चले गए असर पढ़ के फिर आए वही सवाल मेरे वाले साहब का भी वही जवाब फिर चले गए मगरिब पढ़ के फिर आए फिर वही सवाल इस दफा मेरे वाले साहब गुस्से में आ गए कहने लगे बाबा जी गल ना करिए बार बार ना हो मेरे घर मैं तो 11 दिन तू पहले ले आ नहीं सकता जो तुम ले आ सकते हो तो ले आओ कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाले साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा फिर कौन सी आएगी हुदैदा फिर कौन सी आएगी अदन फिर कौन सी आएगी मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी हैं तज़किराए गौसिया हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे जी वो तो मैं दस्या कि वो तो सारा दा हाज ही खराब हो गया ये लमलम जो जद्दे तू पहले आंदा है उत्थे आराम बनना अगर आराम ना बनया तो सारे उत्ते दम वाजिब करा जो एड्डा जाहिल बाबा वो बाबे ने ना नमाज इन्हों आती ना इन्हों अज आंदा ना उमरा वाकया देखो लिखा तो पुराना पढ़ रहे जे होना चाहिए सी कहानी इंज पढ़ाई जाती कि पहले झटके जिलमलम पहुंचे फिर बाबा जी ने कहा बल लो आराम हूँ कहानी तो सुना बैठा इस तू अंदाजा लगाओ टैक्निकल प्रॉब्लम्स ने इन्होंने वाकयात इतने इतने टैक्निकल प्रॉब्लम्स ने कि सॉल्व ही नहीं कर सकते।